द चैनल साक्षी व्लॉग्स। होप सब आप सब बहुत ही अच्छे होगा, और नहीं अच्छे हो तो बिल्कुल अच्छे हो जाओ, क्योंकि मेरी वीडियोस आ चुकी है। एक बात और, वीडियो मेरा आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। यस, आप लोग सोचोगे ये वीडियो मेरे लिए है? कैसे? How to get clear skin in just 3 steps, most demanded video. काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहे थे इस पे वीडियो बना दो। तो हियर इट इज। अभी मैं बिल्कुल शार्प लेके आई हूँ, बाल बिल्कुल गीले गीले से हैं, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। सो लेट्स यहाँ से स्टार्ट करते। एक भी मार्क्स नहीं है, पिंपल नहीं है, इतनी ग्लोइंग और इतनी क्लियर स्किन का राज क्या है? तो आज उसको मैं ऐसे पर्दा खोलती हूँ और आप सबके सामने अपने सारे राज को खोल देती हूँ। तो चलो, सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं अपने फेस के लिए यूज करती हूँ, फेस वॉश के लिए, विच इज दिस। इसका भी मैंने रिव्यू किया शॉर्ट्स पर, अगर आप पुराने व्यूअर नहीं हो तो जाके देख लो, शॉर्ट्स अभी भी है। सो यस, दिस इज एलिविस का ओपन फोमिंग फेस वॉश, और इसके साथ आता है ये ब्रिसल्स, सिलिकॉन ब्रिसल्स, जो कि आपके फेस को स्क्रबिंग में भी हेल्प करता है। तो यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा स्क्रब फॉर योर फेस। और क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल एक टीनेज ग्रुप के लिए मैं शूट कर रही हूँ, जो मेरे एज के व्यूवर्स है, जो देखते हैं मुझे, वो भी चाहते हैं कि उनकी स्किन बिल्कुल ऐसी हो। तो ऑफकोर्स कोई भी चीज़ बहुत ग्रेजुअली नहीं होती है, बिल्कुल धीरे धीरे, उसमें टाइम लगता है आपके स्किन को। और अगर आपकी स्किन के ऊपर वर्क करोगे ना तो ये बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और आपको सनटैन से भी बचना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये फेस वॉश यूज़ करूँ, मैंने कर लिया है इसको। आपको ऐसे यहाँ पर ऐसे प्रेस है, इसको ऐसे प्रेस करोगे यहाँ पर फोम आ जाएगा, देन यू हैव टू जस्ट सर्कुलेट ऑन योर होल फेस। इसको आपको कम से कम 5 to 10 minutes के लिए करना है, 5 minutes इज मैक्सिमम। इसको आप ऐसे कवर करके रख दो वॉश करके, देन यू हैव टू जस्ट वॉश इट। इसका कॉस्ट है 500 पर, अभी इसके ऊपर डिस्काउंट चल रही है, मैंने लिया हुआ था फ्लिपकार्ट से, आप ऑफ कोर्स ले सकते हो, बहुत ही अच्छा। मुझे भी लगा था कि पता नहीं फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट अच्छा होगा या नहीं होगा, बट लेजिट मेरे फेस पे देखो कितना अच्छा वर्क किया है। सो मैं सोप को डिच करके इसको ही यूज करती हूँ। आपको ये रिकमेंड करूँगी, प्लीज सोप को डिच कर दो, अभी ही टाइम है, वरना वो क्या करेगा ना, एक तो आपके फेस से नेचुरल ऑयल को हटा देगा और फेस के ऊपर बहुत सारा रेडनेस आ जाएगा। सोप को कभी मत यूज करना। अपने लिए हमेशा कोशिश करो, अपने लिए छोटा से छोटा फेस वॉश रख लो जो आप खुद के लिए यूज करो, पर्सनल हाइजीन उससे मेंटेन रहता है। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ ना, अब वीकली एक मास्क अपने लिए यूज करती हूँ, इसका भी रिव्यू मैंने शॉर्ट्स पे दिया हुआ है। एक तो मैं करती हूँ ये वाला, और सेकंड जो है वो मैं होम पे, मतलब सॉरी घर पे प्रिपेयर करती हूँ। तो वो कैसे प्रिपेयर करती हूँ, आपको बिल्कुल 2 spoons बेसन लेना है, उसमें थोड़ा सा कर्ड डालना है, यू हैव टू जस्ट मिक्स इट एंड ऐड अ पिंच ऑफ टर्मरिक, उसको मिक्स कर लो। काफ़ी से व्लॉग्स में आपने देखा होगा येलो कलर का मास्क मैंने अप्लाई किया है, तो उसको करते हो वो वीकली आपको सैटरडे करना, बस एक दिन करना है, क्योंकि आपको नेचुरल ऑयल को बिल्कुल रिमूव नहीं करना, अपने फेस के ऊपर एक अच्छा ग्लो चाहिए, तो ये काम ज़रूर करना। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, अभी सच में बहुत से टीनेज का ट्यूशन होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है और काफ़ी सी वर्क होती है, तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो ये ग्लैम वेदा का प्योर गोल्ड पील ऑफ मास्क यूज कर सकते हो, इट इज आल्सो वेरी गुड मास्क। इसको तो मैंने यूज करके आपको लाइव रिजल्ट मैंने आपको अपने YouTube शॉर्ट्स पे दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देख लो सबसे पहले। एंड इसका भी कॉस्ट 300 है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, एक बार आप 1000 rupees जमा करो और अपने लिए बिल्कुल अच्छे से स्किन केयर का सारा प्रोडक्ट अरेंज कर लो, ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर लो। मैं अभी 500 में इसको लूँ, मे बी अभी ये ऑफ में होगा, ये भी 300 का, ये भी मे बी ऑफ में होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो मुझे प्राइस लगा वो भी आपको लग सकता है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है सबसे पहले, ठीक है? अब आपको ये यूज़ करना, आपको मैंने बता दिया बिल्कुल भी स्क्रब फेस पे यूज़ नहीं करना है। अगर आपके यहाँ पर व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं, देन यू कैन यूज अ चारकोल मास्क टू जस्ट रिमूव इट, और इससे भी ये हो जाएगा अगर पील ऑफ मास्क यूज करते हो तो। और ये है हमारे लिए नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, जिसका ऑयली स्किन है उसके लिए वीडियो अलग से आएगी, तो प्लीज इसमें आप मिक्स आउट मत करना। एंड देन फेस मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेना है। देखो मॉइस्चराइजर बहुत सारे हैं मार्केट में, कोई भी ले सकते हो, आपके स्किन टाइप को वो सूट करना चाहिए, प्लस आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन से मैच करना चाहिए, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये है खादी नेचुरल्स का जो मैं यूज करती हूँ, दिस इज फॉर जस्ट 329 और काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है। मैंने इसको एक मंथ पहले परचेज किया था, यानी कि अगस्त में, और अभी मेरा सितंबर चल रहा है, बट ये थोड़ा सा भी मतलब
स्कूल का खाली हुआ है क्योंकि मेरे घर में ऑलमोस्ट सब इसको यूज करते हैं। दिस इज लेजिट वेरी गुड। मैं इसको अभी यहाँ यूज करके भी दिखाती हूँ। जैसे खुला इसके ऊपर कैप था, मैंने हटा दिया है। इसको आप बिल्कुल उंगली से हल्का से ले लो, जस्ट अप्लाई टू फेस। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, बस शावर लिया, फेस वॉश किया और जस्ट आई वॉज शूटिंग द वीडियो फॉर यू। बहुत रिक्वेस्टेड थी। एक यू नो ऐसे मॉइस्चराइज़ सा दिख रहा है, बिल्कुल स्किन मेरी बिल्कुल टाइट सी है, देखो बिल्कुल खींचने पर ऐसे खींच नहीं रही है। सो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप रेगुलर स्किन केयर करते हो। मैंने एक डेढ़ महीने से छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम था, आप लोगों ने देखा था वो वीडियो शॉर्ट्स भी, तो इसलिए मैं कुछ स्किन केयर नहीं कर पा रही थी। बट अभी तो मैं ठीक हूँ, तो अभी मैं थोड़ा बहुत करती हूँ आपको भी। और इस स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एलोवेरा जेल। ये देखो मैंने, मेरे पास है रोज़ का एलोवेरा जेल, ये भी एलोवेरा जेल है, बस इसमें रोज़ का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। इट्स मोर इफेक्टिव और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ फॉर ओनली 300 रुपीज़। सो पर ये क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी है। अगर हाँ देखो एक चीज़ और बता दूँ, नाइट के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक क्रीम कोई भी ब्रांड का खरीदने में कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको 2 टेबल स्पून एक बाउल में ले लो, थोड़ा सा टर्मरिक एंड थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करो, पानी ज़्यादा मत मिक्स कर देना। इसी सेल से बिल्कुल ज्वेल की तरह ही रहेगी, तो मैं यूज कर दूँगी और उसको स्टोर करके एक बॉक्स में रख लो। जब भी नाइट में फिर इसको वॉश करो, उस क्रीम को लगाओ और एक अच्छे से नैप लो। नैप लेना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे स्किन के लिए। उसको मैं यूज करके आपको बता देती हूँ, एक बार यूज किया हुआ थोड़ा सा लेती हूँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी मॉइस्चराइज किया, दिन का टाइम है तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मिक्स इट, बहुत हाइड्रेट कर देता है आपके फेस को, प्लस है ना बिल्कुल एक अलग सा शाइन आ जाएगा आपके फेस पर और काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करता है ये। तो बिल्कुल आप इसको, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे फ्लिपकार्ट के, ये फ्लिपकार्ट का नहीं है, खाली स्टोर से मैंने परचेज किया था, इसलिए इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी। बाकी सब का आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे, सारे का लिंक आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब स्किन की केयर तो हो गई, लिप्स को कैसे छोड़ सकते हो? लिप्स के लिए मेरे पास है टेंडर सबसे बेस्ट लिप बाल, ये मुझे काफ़ी पसंद है टेंडर केयर, और ये इन द वेरियंट वैलिना वुड इसका नाम है, बहुत ही अच्छा है। और ये देखो ओशन का सिंबल, आई नो ये बहुत कॉस्टली है, मतलब बहुत नहीं कॉस्टली है, हम जैसे एज ग्रुप के लिए थोड़ा कॉस्टली है। इसके जगह पे आप वैसलीन को भी स्विच कर सकते हो कोई भी, पर मेरे पास ये तो मैं यही यूज़ कर सकती हूँ। ये देखो इसके अंदर हनी, वनीला एक्सट्रैक्ट्स और कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, देखो इसका यूज करते हैं। लिप्स बिल्कुल चैपी नहीं होंगे, बिल्कुल फटेंगे नहीं और बिल्कुल स्मूथ लिप्स, ब्लैकनिंग हट जाएगी आपके फेस से, इसको यूज़ करो। रेजिट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई ब्रांड ने मुझे प्रमोट नहीं करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स भेजे, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसड वीडियो हैं। तो बिल्कुल घबराओ मत, इसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो और यूज़ करके देखना। इसका इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के साथ साथ आपको 3 स्टेप और फॉलो करना। सबसे पहले तो आपको अपना वाटर इनटेक करना होगा, बिल्कुल आपने सही सुना, आपको दिन में कम से कम 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर ख़त्म करना है। ऐसा एक बॉटल ले लो खुद के लिए, आप किसी टाइप का बॉटल ले लो, उसको इनटेक करते रहो। अभी मैंने भरा और देखो इतना पिया है, अभी मुझे ना 12 बजे के पहले इसको ख़त्म भी करना है। सो इस टाइप का आप गोल सेट कर लो, ताकि आप देखो पानी जो होता है ना वो इंटरनली आपके स्किन को बिल्कुल प्योर करता है, जो भी आपके स्किन में मार्क्स और जो भी गंदगी होती है ना उसको इंटरनली वो क्लीन करता है। तो वाटर इंटेक अपने लिए सबसे पहले बढ़ाओ, और सबसे मेन चीज़ अपने प्रोडक्ट्स को पर्सनलाइज रखो, किसी से शेयर मत करो, अपने लिए पर्सनल स्किन केयर रूटीन बना लो। जैसे कि मैंने अभी बना रखा अपने प्रोडक्ट, किसी के साथ मैं शेयर नहीं करती, जो यूज़ होता है वो खुद करती हूँ। एंड तीसरा, टेकिंग अ प्रॉपर नैप, आपको सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के बच्चे या हम जैसे टीनेज कोचिंग ट्यूशन ये सब में बहुत उलझ जाते हैं और अपने स्किन का ख्याल नहीं रखते। अगर आप अभी से नहीं रखोगे देन आपकी जो आने वाली एज है और आने वाला जो टाइम है ना उसमें आपका स्किन बिल्कुल बकवास हो जाएगा, फिर आप कुछ भी यूज़ करोगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा।
सो यस, अगर आपको ये वीडियो इतना सा भी हेल्पफुल लगा हो ना तो इसको एक लाइक करना, कमेंट और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को शूट करने में, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू करके बताने में, और अपने स्किन के ऊपर उसको टेस्ट भी करना होता है। सो यस, मुझे और बहुत सी वीडियोस अभी शूट करनी है, तो इसलिए इस वीडियो को फटाफट से एंड करते हैं। और हाँ, इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा, इन केस आपको परचेज करना तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आपके स्किन पे बिल्कुल, अगर मेरे जैसे स्किन पे इफेक्टिवली वर्क करते हैं तो आपके स्किन पे भी ज़रूर करेंगे। और यस, अगर इतना सा भाई हेल्पफुल लगा हो या इतना हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके जाना, और मेरी इस प्यारी से स्माइल के लिए आगे सपोर्ट यहाँ पर आ रही है, जाके इंस्टा आईडी वहाँ पर जल्दी जल्दी जाके फॉलो कर लो, और वहाँ पे भी आपको लाइफ अपडेट्स बिल्कुल रेगुलरली मिलते रहते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे से रिलेटेड या कुछ स्किन केयर पे, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आई विल शूट फॉर यू। एंड यस, फॉर टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।